दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप इसको यहाँ से लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। दोस्तों आज 6 मई 2019 सोमवार की एक बार फिर से हम आपके लिए 10 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आए। सभी राज्यों से आप इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हो। महिला और पुरुष दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको डिटेल्स में जानकारी देंगे कि क्या इन भर्तियों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इनकी नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, किन किन विभागों में भर्तियां निकली है, किन पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो और कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, स्टेप वाइज पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की 10 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग 10 ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत ये भर्तियां निकली है। फर्स्ट नंबर की जो जॉब निकली है वो निकली है लोक सेवा आयोग में, पब्लिक सर्विस कमीशन में भर्ती निकली है। पोस्ट है सेक्रेटरी, असिस्टेंट इंजीनियर और असिस्टेंट ऑफिसर की। नंबर ऑफ वैकेंसी 37 है। सैलरी सेक्रेटरी पोस्ट के लिए 10,300 से 34,800 है, प्लस ग्रेड पे इसके लिए 5,000 रुपये है। असिस्टेंट इंजीनियर और असिस्टेंट ऑफिसर के लिए 16,650 से 39,100 पर मंथ के लिए प्रोवाइड की जाएगी, प्लस ग्रेड पे इसमें 5,800 रुपये रहेगा। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा और सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा सेक्रेटरी पोस्ट के लिए 45 ईयर्स है और जो असिस्टेंट इंजीनियर और असिस्टेंट ऑफिसर की पोस्ट है इसके लिए 30 ईयर्स मैक्सिमम आयु सीमा है। जॉब लोकेशन हिमाचल प्रदेश है। एचपी में इंडिया में आप किसी भी राज्य से अप्लाई कर सकते हो। जनरल कैटेगरी के लिए 400 रुपये अप्लाई शुल्क है। एससी एसटी ओबीसी और बीपीएल कार्ड होल्डर जो एचपी के हैं उनके लिए यहाँ पर 100 रुपये अप्लाई शुल्क है। ईएक सर्विसमैन जो एचपी के हैं उनको कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा। सिलेक्शन होगा बिना एग्जाम के, डायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। hppsc.hp.gov.in जिसका ऑफिशियल पोर्टल है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, 4 मई 2019 से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। आप 23 मई 2019 तक सभी इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंतर्गत। ड्राइवर के यहाँ पर वेरियस पद खाली है। सैलरी आप इस पोस्ट के लिए नोटिस से चेक कर सकते हो। 8वीं क्लास पास, साथ में वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 65 वर्ष आयु सीमा है। जॉब लोकेशन उदयपुर राजस्थान है। इंडिया में आप किसी भी राज्य से अप्लाई कर सकते हो, प्लस अप्लाई शुल्क भी आपको जमा नहीं करना होगा। सिलेक्शन होगा टेस्ट के माध्यम से, ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। district.eco.gov.in/udaipur ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो। लास्ट डेट आवेदन सेंड करने की 13 मई 2019 है। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। पोस्ट है लोअर डिवीजन क्लर्क की। वेरियस पद खाली है। सैलरी 5,200 से 20,200 है, प्लस ग्रेड पे 1,900 रुपये है। 10वीं क्लास प्लस 12th क्लास पास होना अनिवार्य है तो आप अप्लाई कर सकते हो। आयु सीमा 18 से 27 वर्ष है। बेंगलुरु जॉब लोकेशन है। इंडिया में आप किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हो, प्लस अप्लाई शुल्क भी आपको इस भर्ती के लिए जमा नहीं करना होगा। सिलेक्शन होगा फील्ड ट्रायल्स और रिटर्न टेस्ट के माध्यम से, ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। mod.gov.in ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है। लास्ट डेट आवेदन सेंड करने की 21 मई 2019 है। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है कृषि विज्ञान केंद्र में। पोस्ट है इसमें सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट और एग्रोमेट ऑब्जर्वर की। वेरियस पद यहाँ पर खाली है। सैलरी सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के लिए 15,600 से 39,100 है, प्लस ग्रेड पे इसमें 5,400 रुपये रहेगा। एग्रोमेट ऑब्जर्वर के लिए 5,200 से 20,200 सैलरी है, प्लस ग्रेड पे 2,000 रुपये है। वहीं बात योग्यता की जाए तो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग डिसिप्लिन में, और एग्रोमेट ऑब्जर्वर के लिए 12th क्लास पास अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम आयु सीमा 35 ईयर्स है। जॉब लोकेशन वडोदरा गुजरात है। इंडिया में आप किसी भी राज्य से अप्लाई कर सकते हो। सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए 1,000 रुपये अप्लाई शुल्क है। एग्रोमेट ऑब्जर्वर के लिए 500 रुपये है जो कि आप डिमांड ड्राफ्ट से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा टेस्ट या इंटरव्यू के माध्यम से, ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। kvkvadodara.org ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जिससे आप एप्लीकेशन फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो। लास्ट डेट आवेदन सेंड करने की 18 मई 2019 है।
उसके बाद दोस्तों जो 5 नंबर पर जॉब निकली है वो निकले है सेंट्रल मेडिकल सर्विस सोसाइटी में, पोस्ट है जनरल मैनेजर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर की। वेरियस पद यहाँ पर खाली है। जनरल मैनेजर के लिए 1,50,000 रुपये सैलरी पर मंथ के लिए प्रोवाइड की जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर के लिए 40,000 रुपये पर मंथ के लिए प्रोवाइड की जाएगी। योग्यता की बात की जाए तो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और बैचलर डिग्री होल्डर अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 55 और 63 वर्ष आयु सीमा है। न्यू डेली जॉब लोकेशन है इंडिया में, आप किसी भी राज्य से अप्लाई कर सकते हो। प्लस अप्लाई शुल्क भी आपको जमा नहीं करना होगा। सिलेक्शन भी बिना एग्जाम के डायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। cmss.gov.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी से आप इसका एप्लीकेशन फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हो। आवेदन सेंड करने की अंतिम तिथि 3 जून 2019 है। उसके बाद दोस्तों जो 6 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड में, पोस्ट है जियोलॉजिस्ट जियोफिजिस्ट पेट्रोफिजिस्ट ड्रिलिंग इंजीनियर रिजर्वर इंजीनियर प्रोडक्शन इंजीनियर फैसिलिटीज इंजीनियर बिजनेस डेवलपमेंट मिस एग्जीक्यूटिव फाइनेंस मैनेजर और इंटरनल ऑडिट मैनेजर की। वेरियस पद खाली है। सैलरी 14 से 25 लाख पर अनम के लिए प्रोवाइड की जाएगी। बीबीटेक एमएससी एमबीए पीजी और सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम आयु सीमा 30 33 38 और 42 वर्ष है। आयु की गणना 1 जून 2019 से की जाएगी। ऑल इंडिया की वैकेंसी है। आवेदन शुल्क भी आपको जमा नहीं करना होगा। सिलेक्शन होगा इंटरव्यू और मेडिकल एग्जामिनेशन के माध्यम से। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। भारत पेट्रो रिसोर्सेज डॉट कॉम ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है, इसी से आप सभी इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 15 जून 2019 है। उसके बाद दोस्तों जो 7 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है पुलिस डिपार्टमेंट में, पोस्ट है राइफल मैन जीडीओ ट्रेड्स मैन की। 1488 पद यहाँ पर खाली है। सैलरी 5724 है, प्लस ग्रेड पे 2100 रुपये है। मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं क्लास पास अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 23 वर्ष है। आयु की गणना 1 जुलाई 2019 से की जाएगी। त्रिपुरा जॉब लोकेशन है इंडिया में, आप किसी भी राज्य से अप्लाई कर सकते हो। जनरल कैटेगरी के लिए 100 रुपये अप्लाई शुल्क है। एससी एसटी बीपीएल कार्ड होल्डर के लिए यहाँ पर 50 रुपये अप्लाई शुल्क है। शुल्क जमा करने का प्रोसीजर आप नोटिस से स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हो। सिलेक्शन होगा फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट यानी कि पीईटी रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। त्रिपुरा पुलिस .gov.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप इसका आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। लास्ट डेट आवेदन सेंड करने की 8 जून 2019 है। जी हाँ दोस्तों, आवेदन सेंड करने के लिए एड्रेस आप नोटिस से चेक कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 8 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है भारतीय सेना में। इंडियन आर्मी ने एक बार फिर से नया नोटिस जारी किया है सोल्जर जनरल सोल्जर क्लर्क और सोल्जर टेक्निकल पोस्ट के लिए। वेरियस पद खाली है। सैलरी इंडियन आर्मी रूल के हिसाब से प्रोवाइड की जाएगी। 10वीं 12वीं क्लास पास अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 17 से 21 और 17 से 23 वर्ष है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हो। प्लस आवेदन शुल्क भी आपको इस भर्ती के लिए जमा नहीं करना होगा। सिलेक्शन होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट मेडिकल टेस्ट और रिटर्न टेस्ट के माध्यम से। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी से आप 4 जून 2019 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इस भर्ती के लिए आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रैली भी अटेंड करनी होगी 20 से 22 जून 2019 तक। उसके बाद दोस्तों जो 9th नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग में, पोस्ट है सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी सेक्शन ऑफिसर टेक्निकल असिस्टेंट स्टेनोग्राफर और जूनियर लाइब्रेरियन की। वेरियस पद यहाँ पर खाली है। सैलरी आप पोस्ट बाई नोटिस से चेक कर सकते हो। योग्यता की बात की जाए तो 10वीं 12वीं और डिग्री धारक अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 18 वर्ष आयु सीमा है। न्यू डेली जॉब लोकेशन है इंडिया में, आप किसी भी राज्य से अप्लाई कर सकते हो। प्लस अप्लाई शुल्क की जानकारी आप नोटिस से ही चेक कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट या इंटरव्यू के माध्यम से। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। cbic.gov.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी से आपको सभी इंस्ट्रक्शंस रीड करने होंगे और उसके बाद आप 27 मई 2019 तक डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 10th और लास्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में, ISI में टेक्नीशियन की भर्ती निकली है। वेरियस पद यहाँ पर खाली है। 40,000 रुपये सैलरी पर मंथ के लिए प्रोवाइड की जाएगी। MSc BBTech अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा मैक्सिमम 35 वर्ष है। आयु की गणना 1 अप्रैल 2019 से की जाएगी। कोलकाता वेस्ट बंगाल जॉब लोकेशन है इंडिया में, आप किसी भी राज्य से अप्लाई कर सकते हो।
प्लस अप्लाई शुल्क भी आपको जमा नहीं करना होगा। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। isicl.ac.in ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है, इसी से आप इसका एप्लीकेशन फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हो। लास्ट डेट आवेदन सेंड करने की 17 मई 2019 है। रिटर्न टेस्ट की भी टेंटेटिव डेट यहाँ पर घोषित कर दी गई है, 27 मई 2019 को इसका रिटर्न टेस्ट हेल्ड किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की 10 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको भी इन भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप एशियन की नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो। और जिस भर्ती के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा उसी के नीचे आपको एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, और जिस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा उसी के नीचे आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी मिल जाएगा। आप सिंपली यहीं से इन भर्तियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। या दोस्तों सभी की नोटिफिकेशन आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हो। सभी भर्तियों की अलग अलग नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी कर दी गए हैं जो आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हो, और अप्लाई ऑनलाइन के पोर्टल भी यहीं पर सभी के दिए गए हैं, या फिर ऑफलाइन करने के लिए आवेदन पत्र भी आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट इन्हीं के अंतर्गत दिए गए हैं। आप सिंपली इन भर्तियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।